और दिल्ली के डाबड़ी इलाके में सरेआम हत्या और खुदकुशी की वारदात से वहां दहशत मच गई है। आरोप ये है कि 25 साल के एक लड़के ने 42 साल की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के कुछ देर के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद दिल्ली के डाबड़ी इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक वहाँ 25 साल के एक लड़के ने सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोप ये है कि वो लड़का पिस्तौल लहराते हुए वहां आया और 42 साल की एक महिला पर फायरिंग कर फरार हो गया। वहीं गोली चलने की आवाज़ सुनकर उस महिला के परिवार वाले उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक उस महिला की मौत हो चुकी थी। अभी इसमें फर्दर हमारे जो FSL के टीम्स हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बताया गया कि उस महिला की हत्या के कुछ ही देर के बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का और वो महिला एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि दोनों एक ही जिम में जाया करते थे और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी। उधर पेरू की राजधानी लीमा में सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी ने सामने से आ रही दो गाड़ियों को टक्कर मार दी। बताया गया कि इस दर्दनाक हादसे में करीब 21 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो गाड़ी तेज रफ्तार से आती हुई दिखी और उसने सामने से आ रहे एक ऑटो और एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोग उछलकर सड़क पर गिर गए। वहीं उस ऑटो और दूसरी गाड़ी में बैठे लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें एक लड़का भी सड़क पर चलता दिखा, जिसके ऊपर उस गाड़ी का दरवाजा टूटकर गिर गया। तस्वीरों में हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ नजर आई, जो उन लोगों को बचाने में जुट गई। हादसे में करीब 21 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई। और उधर दिल्ली के तिहाड़ जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने जेल में छापेमारी अभियान चला दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रशासन ने तिहाड़ जेल से चाकू और 5 मोबाइल बरामद कर लिए, जिसमें 3 स्मार्टफोन और 2 कीपैड वाले फोन बरामद हुए। और इसके साथ ही मंडोली जेल से भी मोबाइल फोन के साथ 3 सिम कार्ड और हैंडमेड सिगरेट बरामद हुई। मंडोली जेल में 26 जुलाई को सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जबकि तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक 25 जुलाई को जेल में खुफिया इनपुट के आधार पर सेंट्रल जेल नंबर 3 में तलाशी ली गई। गहन तलाशी अभियान के दौरान खुफिया सूचनाओं के आधार पर कई जगह पर जमीन में लगभग 2 से 3 फीट तक खुदाई करने के बाद मोबाइल फोन और दूसरी प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी की गई। बिहार पुलिस पर कटिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना पर बिहार में बवाल हो गया, क्योंकि उस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले फायरिंग करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ खड़े कुछ लोग पुलिस टीम पर पत्थर फेंकते दिखे। मार दिया रे। आरोप है कि बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इस घटना पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। बदमाशी जब करेगा कोई, तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। वहीं बीजेपी ने इस घटना की निंदा की। कटिहार में लोगों ने प्रदर्शन किया बिजली मांगने के लिए, तो वहाँ आपने गोली चलवा दी। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की घटना से वहाँ हालात तनावपूर्ण बन गए।